हेलो माय डियर फेलो, और आज हम लोग न्यू सीरीज़ के साथ आ गए हैं क्योंकि पहले हम लोग हैक्स ट्राई करते थे और अभी मैंने जो है वो पोन ब्लॉक स्काई ब्लॉक डाउनलोड कर लिया है। और इसके अंदर हम लोग को कॉबलस्टोन जनरेटर नहीं होता, हमारे पास फार्मिंग होती है। फार्मिंग से हमें जब वो कंपोस्टर में डाल के जब वो बोन मील से बोन ब्लॉक बना के ट्रैवल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग गेम है। और चलो ट्राई करते हैं कि भाई ये कैसा है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, क्रॉप्स तो उगी हुए हैं तो हम इसको अभी नहीं करेंगे। हम पहले यहाँ से ना थोड़े से ब्लॉक तोड़ लेते हैं। हाँ सही है, क्योंकि हम इसके थोड़े से ना इर्द गिर्द लगा देंगे ताकि हम लोग गिरें ना, क्रॉप्स ना गिरें। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोगों को और इसकी सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करनी है ये भी कमेंट में जाके ज़रूर बताना। और मैं भी खुद पहली दफ़ा खेल रही हूँ तो देखते हैं कैसा है ये, कैसी है ये, मतलब कि क्या क्या होता है इस गेम में। तो अभी तो मैं यहाँ की मैंने डर्ट तोड़ ली है ताकि हम इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा लगा सकें। इस टाइप से ये क्या गिरा, यहाँ से गिरा यार, एनिमल्स भी गिर रहे हैं, उसको मतलब हमें जल्दी करना होगा जो भी करना है। ओके, तो वहाँ पर जो है हमारे पास पेड़ भी है, वो पेड़ से भी कर सकते हैं। और राइट, मैंने इस साइड से तो पूरा लगा दिए, हम इस साइड से भी लगा देते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके। ओके, तो मैंने इस साइड से भी लगा दिए, अब इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। और आप लोगों को कैसे लगे आप लोगों को ज़रूर बताना। और अभी मैं जो हूँ वो ये क्रॉप्स तोड़ लेती हूँ क्योंकि जितना हम लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और पानी के अंदर प्याल भी दी हुई है हम लोग को। ओके, तो हम यहाँ से एरिया बड़ा कर सकते हैं, तो हमें हो बनाने की ज़रूरत है सिर्फ, तो फिर हम लोग जल्दी ये सब कुछ काम कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले इसको तोड़ लेती हूँ। ओके, सारा टूट गया, सब कुछ कलर करना है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है सब कुछ। तो हम यूँ करते अभी हम यहाँ पे उगाना शुरू कर देते हैं। ओके, जब तक कि मैं उगा रही हूँ हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। ओके, तो गैस मैंने यहाँ पर जो है वो पूरा उका दिया और अब मैं जो हूँ वो काफले को है, काफले में तो हम ये थोड़ी सी ना वुड तोड़ लेते हैं और ये वुड भी नीचे नहीं जानी चाहिए, स्केट गेट भी हम थोड़ी सी ना एक तो मिली है हमें अभी, मुझे कहते हैं थोड़ी सी टर्ट ले लेते हैं एंड इसको हम मैं यहाँ पर लगा ही रही थी। मैंने एक और एनिमल को गिरते हुए देखा यहाँ से, तो आई डोंट नो ये क्यों गिरे जा रहे हैं बार 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 बार, बट ऐसे तो भाई मेरा नुकसान हो जाएगा तो उनको गिरना नहीं चाहिए। देखो कैसे कैसे घूम रहे हैं। तो अभी हम खैर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एरिया तो बड़ा कर दिया, हम इसको पूरा तोड़ लेते हैं। ओके, तो मैं ताकि उसकी सैप्लिंग्स हमारे पास आ सके। ओके, अब हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से पहले हम एक चेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक चेस्ट बना ली है और हमें चाहिए हो। ओके, हो भी बन गई है। अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं चेस्ट। चेस्ट के अंदर जितना भी हमने ये हार्वेस्ट वगैरह किया है कुछ रख लेते हैं और यहाँ पर हो कर लेते हैं।
मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया जितना इससे मुझे सही लग रहा था। और इसके ऊपर अब हम लगा देते हैं ये सीड्स। ये देखो फिर से यहाँ से काव गिरी यार, अब सिर्फ नीस ही बची हैं। सबसे जाके मुझे यहाँ पर फेंस लगानी पड़ेगी, बट कहाँ जाना चाहिए पहले? आई थिंक स्पॉन हो ही जा रही है तो इतना ज़्यादा वो मसला नहीं है। तो अभी हम लोग अपनी चेस में ये वापस डाल देते नहीं हैं। रुको, इसको मैं क्राफ्ट इसके अंदर डाल के देखती हूँ। इसके अंदर भी तो करना पड़ेगा, रुको। इसके नीचे ज़मीन है, यप है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रख देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा खोल देते हैं, स्टेयर केस बना देते हैं यहाँ पर। फिर बस यहाँ तक ही खोल सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना था यहाँ पर? ओके, ये कर लो। मैंने यहाँ का थोड़ा सा एरिया जो है वो बड़ा कर दिया है। फिर से गिरी क्यों यार? उस तरफ चल लेते हैं, ऐसा करते हैं। बस आया है एक एप्पल। सैपलिंग्स तो नहीं मिली मुझे, सैपलिंग चाहिए थी। तो अभी हम इसको क्या करते हैं? ओहो, मुझे टर्ट चाहिए थी यहाँ के लिए, तो मैंने बनाई थी। रुको, मुझे ये सेफ जगह नहीं लग रही, इसलिए मैं सोचूं कि हम इसको ना तोड़ देते हैं, एक्स बना लेते हैं। एक एक्स से टूट तो जाएगा ना, पता नहीं। एक्स तो नहीं बन रही। ओह सॉरी सॉरी, एक स्टिक लेके बोल रही हूँ, एक्स नहीं बन रही, पूरा लेना पड़ेगा। बहुत मैं पागल हूँ, मैं एक स्टेक करके बोल रही हूँ, एक्स तो बन रही। ओके, तो अभी ये मेरे पास ही आना चाहिए। हो गया कलेक्ट, ये भी हो गया। इसको हम तो इसी सेफ जगह पे रख देंगे। आई थिंक मुझे ये नीचे रख देना चाहिए यहाँ पर, तो हमारा सीक्रेट रूम। ओके, यहाँ पर रख दिया। अब हम चलते हैं ऊपर और अपना जितना भी क्रॉप्स हमने लगाया था वो हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ना बोन मिल निकाल लेते हैं।
पूरी नहीं लगाएंगे बस, तो और राइट बस बाकी सारे रख दो वापस। भाई खाना भी तो होगा ना हम लोग को। ओके तो अभी मेरे पास 6 डर्ट है आई थिंक, मुझे नीचे से ना पूरा ना खोखला कर देना चाहिए। हाँ जी खोखला करेंगे। ओ यहाँ से पानी आ रहा है, रुको रुको ऐसे नहीं खो देंगे हम। ऑलराइट बस ना हो जाए कि हम गायों तक के पहुंच जाएं, देखते हैं हम इससे पहुंच पाते हैं फिर। नहीं सैपलिंग नहीं आई यार, सैपलिंग ही तो चाहिए थी मुझे, सैपलिंग ही नहीं निकली। इसके लिए मैंने प्लेटफॉर्म भी इतना बड़ा कर दिया था। क्या हो रहा है यार, अभी तो हमें उस तरफ जाना है, तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना होगा। तो मैं इस साइड पे तो पहुंच चुकी हूँ। ओके यहाँ पर काओ का स्पॉनर है और चिकन का स्पॉनर है, मैं तो ज़्यादा वो क्यों कर रहे थे भाई। स्पॉनर यहाँ से खाने पीने का आराम से इंतज़ाम हो जाएगा। और क्या चाहिए हम लोग को, टॉर्चेस लगी हुई है बट यहाँ पर सही है। खैर वहाँ पर भेड़ों का स्पॉनर है तो भेड़ों के पास भी चल लेते हैं हम, ज़रा बैठ के भी तो ज़रूरत होगी ना। विलेजर्स हैं, मैं एक्स लाना भूल गई यार, हाथ से ही मारना होगा तो तुम लोग प्लीज यार गिनना नहीं। सही है यार मुझे इसी बात का डर था, तुम तो नहीं गिरोगी ना। एक्स ले आते हैं। अरे भाई तुम लोग को नहीं आना, वो मेरी खेती में भी चली जा रही है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे चलते हैं अपनी एक्स देखकर, हम वहाँ पर चलते हैं। वो क्या है उसको यार, मैंने बहुत बुरा बनाया है, उसके अंदर से गिरने का खतरा है। तो उसे इसको अच्छा कर देते हैं। तुम लोग ही आ जाओ भाई, तुम्हारे क्रॉप्स भी उग चुके हैं, तो जो उग रहे हैं हम उसको उसी वक्त लगा के कर लेते हैं। ओके जाके इन तीनों को कंपोस्टर में लगा देते हैं। अभी हम चलते हैं अपने एक्स लेते हैं। और ये मैंने एक बार सोची है, ऊन से भी तो हम ट्रैवल कर सकते हैं। क्या कर रही हूँ मैं, ओके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अरे मुझे फेंसेस लगानी पड़ेंगी यार, गिरना नहीं गिरना नहीं। हाँ हाँ गुड गुड, गिरना नहीं है। ओके मुझे मिल गया, तुम्हें भी गिरना नहीं है। सही है गुड, गिरना नहीं है। इधर आओ इधर आओ, इन लोगों को खाना भी तो नहीं है ना मेरे पास कि भाई मैं इन लोगों को इधर बुला सकूँ। हाँ गुड, इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ। कि दो ब्लॉक्स मेरे पास आ चुके हैं, इसी तरह खाना भी आ चुका है मेरे पास। तुम लोग क्या दोगे,
यार ये नीचे जा रही है। ओके ये लोग भी मुझे खाना ही दे रहे हैं, फिर मुझे ऐसे खाने तो भूख तो लग नहीं रही। करते हैं कि ये हो गए हमारे पास ब्लॉक्स, और थोड़ी सी और डर्ट जमा करके हम लोग चलते हैं सामने की साइड। तो मैं बोल देती हूँ आप लोगों को, ये तो बाहर आ गया। पानी तो बंद करने दो भाई। ओके ओके बना हो गया। ओके तो अभी हमारे पास 12 ब्लॉक्स हो चुके हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं सामने वाली साइड पर। सामने वाली साइड मुझे बहुत दूर लग रही है। ओके तो अभी मैं पहुंच तो रही हूँ सीढ़ियाँ बना बना के, और बहुत ऊँची है। तो यार मेरे पास जितने ब्लॉक्स थे उतने तो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं सारे, और अभी मैं यहाँ तक ही पहुँची, तो मुझे आई थिंक स्ट्रेट जाना है, और वहाँ पे आई थिंक सो फार्म है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लगा हुआ मौसी कॉबल स्टोन लगा हुआ। सामने यार देखो कितने सारे डायमंड गोल्ड रेड स्टोन सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। हनी भी होगा यहाँ पर, विलेज है। आई थिंक कि हमें जो है वो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और क्योंकि जितना हो सकता था उतना तो हमने ले लिया यहाँ से, बट हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है वो सामने की साइड जो है वो ऐसी ऑर्डर जो, तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। ग्रेवल वगैरह भी है वहाँ पर, बट किसी काम की नहीं ग्रेवल, तो मैंने कि सब कुछ खोखला हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर नैदर का भी है। तो यार ये हमारा फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे में इतना ही। रहती हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार। ये क्या नीचे वो, उसका हम वैसे बंद भी कर सकते हैं, पानी का एक ब्लॉक भी काफ़ी होगा। चलिए मिलते हैं बाद में, अल्लाह हाफिज़।